नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद है। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अगर देखें कि हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को पैनिक अटैक आया है, ये पैनिक अटैक होता क्या है? ऐसा है रिया जी, पैनिक अटैक एक तरह से साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। यानी आपका जब सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव हो गया, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आपने सोच लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव के दौर से आप ऐसे गुजर रहे हैं जिसमें कुछ आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो कभी कभी उसमें ज़्यादा ओवर सिंपैथेटिक ड्राइव होने से पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जनरली यंगर लोगों में ज़्यादा होता है। यानी कभी कभी परिवार वालों से कभी झगड़े हो गए, कभी यंगर लड़के लड़कियों में कभी ब्रेकअप हो गया, या कभी एग्जामिनेशन की चिंता हो गई, मतलब तरह तरह के तनाव के डिफरेंट विधाएं हैं जिस पर लक्षित होते रहते हैं। और उसमें जो मरीज आता है, आप विश्वास नहीं करेंगी, वो जब बाहर बैठता है तो उस समय ऐसा लगता है कि इसका प्राण तुरंत निकल गया। यानी वो 10 मिनट में लगता है कि वो दुनिया से विदा ले रहा है, ऐसा सांस फूलने लगता है, लगता है कि फ्रैंक हार्ट अटैक हो गया, तुरंत तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी चाहिए, सांस रुक गया। तो जो सिम्टम होता है वो बड़ा स्केरी होता है, बड़ा डरावना होता है। हर आदमी डर जाता है पैनिक अटैक में कि लगता है कि इसको हार्ट अटैक हो गया, चाहे कोई लंग्स फेलियर हो गया, सांस ही नहीं जाता। सांस का जो मरीज का सिम्टम होता है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स कहते हैं, कि सांस रुक गया। एक लड़की आती है हमारे यहाँ क्लिनिक में, हम समझते हैं कि 2-3 पैनिक अटैक मैं रोज देखता हूँ। यंग लड़के लड़की आएंगे, सांस रुक गया, सांस अंदर नहीं जा रहा, बहुत कस कर सांस ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही, सटपटाहट हो रहा है, धड़कन बढ़ गया, सीने में फ्रैंक सीने में दर्द, जिसको आप लगेगा बिल्कुल कार्डियक पेन हो रहा है, हार्ट अटैक का पेन जैसा मिमिक करता है। ये सारे सिम्टम अगर आप जांच करेंगी तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा, सारा वाइटल्स नॉर्मल आएगा, तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, बस टेंशन इंड्यूस्ड पैनिक अटैक है। तो इसका डायरेक्ट रिश्ता आपके दिमाग से होता है, इसमें शरीर का कोई योगदान नहीं है, और कोई खतरे की बात नहीं है। केवल रीएश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, जो अटेंडेंट होते हैं काफ़ी घबराए रहते हैं, या तो उनके माँ बाप होते हैं, चाहे उनके पार्टनर होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती हैं, बहुत सारे घर में डोमेस्टिक कलह भी होते रहता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के बहुत ज़्यादा सामंजस्य की कमी है, उसमें भी पैनिक अटैक आता है। तो पैनिक अटैक को समझने के लिए एक कुशल चिकित्सक की जरूरत है, नहीं तो आसपास के जो लोग हैं वो तो इतना घबरा जाएंगे, तुरंत अस्पताल में दौड़ना और तरह तरह से जो उसका करना था, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर देखिए कि अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो कितना चांस होता है, कितनी जल्दी वो इसे उभर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो जैसा कह रहा हूँ कि इसमें खतरे की तो कोई गुंजाइश होती नहीं है। पैनिक अटैक में आपको रीअश्योर करना है, आपको आश्वासन देना है कि कोई गंभीर चीज नहीं है। धीरे धीरे मरीजों को भी आश्वस्त करना होता है, कई मरीज तो एकदम चलने फिरने के नहीं रहते हैं। हमने देखा है कि 3-4 उसके अटेंडेंट हाथ पकड़ के उसको लाते हैं, लगता है बिल्कुल अपाहिज हो गया, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, सांस नहीं ले सकता है, लेकिन आपके एक आश्वासन से और हल्की फुल्की दवाई से, थोड़ा ट्रैंकुलाइजर से, दिमाग को शांत करने से उसके सिम्टम से पूरी तरह से उसको मुक्ति मिल सकती है। परिवार वाले भी निश्चिंत हो जाएंगे, मरीज भी निश्चिंत हो जाएगा, और आपका काम यही है कि उसको डिफरेंस दूध का दूध और पानी का पानी करके मरीज को समझा देना और उसको ये करना। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है पैनिक अटैक के बारे में, ये बताया कि आखिर ये पैनिक अटैक होता क्या है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुने थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है पैनिक अटैक के बारे में। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।